मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बच्चों आप लोग, ठीक है? प्रोजेक्टर्स भी ऑन करना है। माने क्या विजिबल हो गया? ओके सो बेसिकली हम आप लोग क्या था, यही था ना, इस नाम सेव किए थे, याद है? CSS form one, है ना? ये इसको मैं ओपन करता हूँ। तो पहले हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं किसके बारे में, pseudo class के बारे में, ठीक है बच्चों? इसको मैं इधर left में कर देता हूँ। स्यूडो क्लास के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं हम लोग। बेसिकली स्यूडो क्लास होता क्या है, देखिए डेफिनेशन देख लीजिए। ए स्यूडो क्लास कैन बी डिफाइंड एज अ कीवर्ड व्हिच इज कंबाइंड टू अ सिलेक्टर। इसको हम किसके साथ कंबाइन करते हैं? सिलेक्टर के साथ, स्पेशली कौन सा क्लास दैट डिफाइंस द स्पेशल। बार बार बोले जा रहे हो कोई बच्चे, बार बार पीछे डिस्कस चल रहा है। किसी को दिक्कत है तो आ जाओ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो तो अच्छा रहेगा, सबको समझ में आ जाएगा। हाँ आ जाओ, जगह है क्या? वहाँ खाली, वहाँ बैठ जाओ या तो आप आगे आ जाओ उधर बैठे। बैठ जाओ, आवाज नहीं आ रही पीछे क्या? इनको भी दिक्कत है, वो आगे आ जाओ। तो बेसिकली स्यूडो क्लास, सिंपल भाषा में मैं बात करूं, इसको हम यूज करते हैं सिलेक्टर के साथ यूज करते हैं, और एक तरह का क्लास डिफाइन किए बिना हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके हेल्प से हम एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इट इज एडेड टू अ सिलेक्टर फॉर एडिंग एन इफेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट बेस्ड ऑन दियर स्टेट्स। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, जैसे एक होता है एक्टिव स्टेट होता है, विजिट, मान लो कोई टॉपिक है, कोई एलिमेंट है, उसको हम विजिट कर चुके हैं तो क्या होगा? विजिट कर चुके हैं मतलब उस पर हम क्लिक कर चुके हैं या कुछ ऐसा, दैट इज कॉल्ड विजिटेड स्टेट होगा। यदि हम किसी पे क्लिक करने जा ही रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव स्टेट होगा। तो इस तरह से बहुत सारे स्टेट होते हैं, जैसे उस पर हम माउस को या कर्सर को ऊपर घुमा रहे हैं, दैट इज हॉवर स्टेट। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, उसे हमें ऐड करना होता है, उसके उसको हम किसके हेल्प से करते हैं? जनरली स्यूडो क्लास के नाम से। क्लियर है? उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखिए सेलेक्टर क्या होता है बच्चों, सेलेक्टर और स्यूडो क्लास, कॉलन साइन है यहाँ पे, क्या है बच्चों? कॉलन साइन है, सेलेक्टर्स और स्यूडो क्लास, और इसके अंदर प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। स्यूडो क्लास को बताया जैसे रॉबर्ट हुआ, हाँ स्यूडो क्लास के वो क्या, वो आपके स्यूडो क्लास, हाँ बिल्कुल वेरी गुड, वो क्लास हो गए आपके, तो उसको ऐड करते हैं कुछ इस तरह से। उसका ये एक तरह का क्या कर सकते हो इसको, जैसे सर हुआ या फिर क्या जो भी स्यूडो क्लास होता है वो तो एचटीएमएल में डिफाइन नहीं होता है। यहाँ हम लोग स्यूडो सीएसएस के आंसर बात कर रहे हैं, सीएसएस में बात कर रहे हैं तो सीएसएस कांसेप्ट में सिलेक्टर कहाँ आता है? सीएसएस में ही आता है। तो उसी सिलेक्टर के हेल्प से हम क्या करते हैं, सिलेक्टर्स मतलब जनरली क्यों होता है कि जिस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है वही होता है ना, उसी के लिए यूज करते हैं, और सेलेक्ट करके उस पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम। तो इसीलिए सेलेक्टर्स कॉलन और स्यूडो क्लास जो प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना है, ठीक है बच्चों? चलिए सेलेक्टर सर कोई क्लास या फिर कोई क्लास ही करता हूं, आईडी आईडी बता रहे हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए स्यूडो क्लास जो सेलेक्टर्स तुमने क्लास किया हो उसका देखियो, क्लास सेलेक्टर्स का क्लास नहीं किया। चलिए मुझे लगता है पहले सेकंड या थर्ड क्लास में बताया था क्या, हाँ जैसे सिंपल समझो, कंसेप्ट समझो, टाइप ऑफ सीएसएस मतलब कि हमें कोड कैसे लिखना है, उसी के अंदर लिखना है, एलिमेंट के अंदर लिखना है या एलिमेंट से बाहर, या उसी पेज के अंदर, बाहर मतलब उसी पेज के अंदर लिखना है, उसी डॉक्यूमेंट के अंदर, दैट इज इनलाइन हो गया, उससे बाहर लिखेंगे उस पेज से बाहर एक्सटर्नल हो गया। पर जनरली एक्सटर्नल यूज कब करते हैं, जब हमें सेम प्रॉपर्टीज या सेम सीएसएस अप्लाई करना होता है मल्टीपल पेजेस पे,
ठीक है, सेलेक्टर्स की बात आती है तो हमें प्रॉपर्टीज ले जाना है, किसी पार्टिकुलर लिमिट में सेट करना है। सेट करने के लिए बहुत तरीके हो सकते हैं, एक तो कॉमनली सेट करना है हमें, एक होता है स्पेसिफिक सेट करना है, या कुछ ग्रुप पे सेट करना है, या कुछ क्लासेस पे सेट करना है। तो उस प्रॉपर्टीज को उन सेलेक्टेड पोर्शन पे पहुंचाने के लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या है आपका सेलेक्टर्स होता है। जैसे हम एक यूज करते हैं एलिमेंट सेलेक्टर और हम ए सेलेक्ट करते हैं, तो जितने भी एंकर टैग वाले सब पे अप्लाई होगा वो, तो वो आपका एलिमेंट या उसको टाइप सेलेक्टर बोलते हैं। क्लियर है? वैसे ही बच्चों बात आती है कि क्लास के बारे में, तो हमने कुछ बताया था क्लास बनाते हैं हम लोग, जैसे हमें क्लास बनाना होगा। अब हम एक इस कॉलेज में एक म्यूजिक म्यूजिक ग्रुप बनाने वाले हैं सब कुछ, तो हो सकता है क्या इसी ग्रुप इसी क्लास के बच्चे रहेंगे उसमें? नहीं, अदर क्लास के भी हो सकते हैं। तो जिन्हें जो जो बच्चे ग्रुप उस म्यूजिक क्लास में एडमिशन लेंगे उनको मैं एक आई कार्ड दूंगा, एक आई डी दूंगा, जो आई डी कुछ एक तरह का होगा सबका, या आई डी नहीं का होता क्लास की म्यूजिक क्लास का कार्ड दूंगा मैं। तो हो सकता है उसमें कुछ बॉयज भी हो, कुछ गर्ल्स भी हो, या हो सकता है कुछ अदर सेमेस्टर के भी हो, बीबीए के भी बच्चे हो, तो अलग अलग एलिमेंट हुए, लेकिन उनपे हमें सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई करना। तो हम क्या करते हैं, एक क्लास डिफाइन करते हैं, है ना, जो क्लास जिस म्यूजिक क्लास को आप सब पे अप्लाई होगा, लेकिन सब पे नहीं, मतलब जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसी पे अप्लाई होगा। वैसे आईडी होता है स्पेसिफिक, हमें आपको टारगेट करना है, उसे टारगेट करना है, जैसे रोल नंबर आपका हुआ, आईडी हो गया। ग्रुप में बताया था एक कॉमा देके यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रुप, ठीक है ना। यूनिवर्सल मतलब सब पे अप्लाई करना, ये सिलेक्टर्स की बात है। तो आई होप यदि आपको डाउट होगा तो जो चैनल है कॉलेज चैनल पे जाके देखना, उसको डेट वाइज मिल जाएगा आपको, और वहां पे आप क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो अपने बैचमेट से या हमसे आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैं उससे बात करूंगा तो फिर ये टॉपिक का जो डिस्कशन है वो थोड़ा लैग हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली यही होता है उसका। अब पूछोगे सर कौन कौन से क्लासेस अवेलेबल हमारे पास है, है ना, तो हमारे पास कुछ क्लासेस हैं जो हम यूज करने वाले हैं। सुडो क्लास बोलते हैं, दैट इज एक्टिव, हॉवर, लिंक, विजिटेड एंड फर्स्ट चाइल्ड, ये कुछ कॉमन है। इसमें से देखिए, इसमें से एक्टिव आप किसी दूसरे पे भी यूज कर सकते हो, हॉवर किसी दूसरे पे यूज कर सकते हो, विजिटेड यूज, लेकिन लिंक जो है हमेशा हाइपर लिंक पे ही यूज होता है। क्या होता है? हाइपर लिंक पे यूज होता है। चलिए देखते हैं, तो एक्टिव का मतलब क्या है। इट इज यूज टू एड अ स्टाइल टू एन एक्टिव एलिमेंट, मतलब किसी पार्टिकुलर एलिमेंट, जैसे आप चाहते हो तो उस पर क्लिक करने जा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे क्लिक करेंगे वो एक्टिव हो जाएगा, तो उस केस में उस पर क्या प्रॉपर्टी सेट करना है। हॉवर मतलब क्या, जब उसके ऊपर से माउस मूव कर रहा है तो उस पर क्या चेंज होना चाहिए। लिंक हुआ कि मान लीजिए हमने कोई लिंक बनाया, हाइपर लिंक बनाया है, तो जैसे हाइपर लिंक में हमें कुछ अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करने हैं। कि हाइपर लिंक जनरली किस कलर का होता है बताओ? ब्लू होता है। हम चाहते हैं कि हाइपर लिंक क्या हो, कुछ स्पेसिफिक कलर का। उस हाइपर लिंक पे हमें मान लो कोई बैकग्राउंड चेंज करना हो, क्लास कलर देना हो, तो वैसे कुछ चीजें हम अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। विजिटेड मतलब क्या होता है, यदि हमने किसी लिंक को क्रिएट किया, उस पर माउस को ले गया तो वो हॉवर हो गया, उस पर जब हमने जस्ट क्लिक करने ही वाले हैं या क्लिक किया एक्टिव हो गया वो, और क्लिक किया तो पेज ओपन हो जाएगा जब, और उसके बाद जो है वो पेज क्या कहलाएगा, विजिटेड कहलाएगा। तो उस केस में उस पर क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, यदि हम उसको ओपन कर चुके हैं, विजिटेड कर चुके हैं उस लिंक को, तो वो कैसा दिखना चाहिए, दैट इज विजिटेड हो गया। फर्स्ट चाइल्ड क्या होता है, देखिए कि जैसे हम कोई एलिमेंट यूज करते हैं, उस एलिमेंट के अंदर ही बहुत सारे एलिमेंट यूज करते हैं, जैसे डिवीजन है, उसके अंदर हमने 5H1H2 टैग यूज किया, तो हम चाहते हैं कि जो उस पांचों एलिमेंट में से किसी फर्स्ट एलिमेंट पे, जैसे डिवीजन के अंदर 5H1 यूज किया, तो फर्स्ट चाइल्ड क्या होगा, तो उस डिवीजन का वो सारे पांचों क्या है, चाइल्ड हो गए। तो फर्स्ट चाइल्ड पे प्रॉपर्टी सेट करना होगा, उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। देखिए समझ में आएगा आपको जब हम इसके लैप करके दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए बेसिकली हम क्या करने वाले हैं बच्चों, एक नया पेज लेते हैं आज, कोई दिक्कत, सेव करते हैं इसको, पहले सेव एज कर देते हैं। सेव एज कहाँ, आप ही की फाइल में हो रहा है, सेव देखना। इसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो क्लास, क्या बोलेंगे इसको, स्यूडो अंडरस्कोर क्लास डॉट एसक्यू, कोई दिक्कत। इससे हम फिर से डिफाइन करने वाले हैं सारा कुछ, तो क्या होगा बताओ, पहले तो HTML, ये है, एक हो जाएगा,
के लिए शिफ्ट दबाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, देखिए कीबोर्ड थोड़ा सा कभी कभी फंस जाता है, इसलिए प्रॉब्लम है ना। दिक्कत हेड लिया, उसके बाद क्या होगा बताओ, बॉडी हेड के अंदर हमें क्या करना है बताओ, टाइटल देना है, दे देते हैं। क्या टॉपिक है हमारा आज का, स्यूडोप्लास्ट। हम दे देंगे यहाँ पर टॉपिक, अब ये हो गया। अभी देखो बॉडी में जाते हैं, हमें पहले कुछ क्रिएट करना होगा, इसको हमें देखना है क्रिएट क्या करने वाले हैं। देखो सबसे पहले H1 टैग लेते हैं, क्या लेते हैं H1 H1 नहीं H2 टैग लेते हैं, थोड़ा छोटा हो क्या, और इस पे क्या करते हैं हम अप्लाई करेंगे कुछ, एक हम एंकर टैग लेते हैं, क्या लेते हैं एंकर टैग, लिंक को भी देखना ना हमें, एंकर टैग लेते हैं, एंकर टैग लिया हमने, इसके अंदर कुछ लिखते हैं दिस इज आवर हेडिंग टैग, ठीक है, लिख दिया हमने। इसके अंदर हम लिखते हैं जैसे गूगल, क्या लिखते हैं गूगल, कोई दिक्कत, सेव किया, सेव करते हैं, सेव करके रन करते हैं इसको। ये बेसिक चीजें हैं, नॉर्मल चीजें हैं, हमें इसे क्या करना है अभी गौर से देखना है इसमें, ठीक है, कुछ चेंजेस जो है ना आपको दिखेंगे यहाँ पे। हम एक जो सीएसएस अप्लाई करेंगे यहाँ पे, इंटरनल सीएसएस अप्लाई करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं बच्चों, क्योंकि छोटा है तो इसी पेज में उसको क्यों अलग अलग पेज में बार बार शिफ्ट करें, यहीं पे हम कर लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं पता आपको, स्टाइल यूज करते हैं, स्टाइल टैग यूज करते हैं इंटरनल सीएसएस के लिए। हमें क्या करना है देखो, सबसे पहला देखो हमें करना क्या है, एक हॉवर आपने सुना होगा, इस पे अप्लाई करना है हमें, H2 पे अप्लाई करना है, ध्यान सुनिए मैं क्या बोला आपको, H2 पे हमें अप्लाई करना क्या हॉवर, सब कर नहीं, सब पे नहीं कर सकते, हमें तो हॉवर क्लास अप्लाई करेंगे तो HOWHOVER क्या होगा, ठीक है, ये हमारा हॉवर क्लास क्या हो गया बच्चों। अभी देखो सेव करते हैं, अभी नॉर्मली कौन सा कलर है बताओ इसका, हम चाहते हैं कि जैसे उस पे ले जाए तो कलर उसका चेंज हो जाए, क्या हो जाए रेड हो जाए, सपोज करो क्या हो जाए बच्चों रेड हो जाए, तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों सेव। इस पे अप्लाई कर रहा हूं मैं H2 पे ना, केवल H2 पे ध्यान देना, तो रन करते हैं और देखते चेंज लिख रहा है आपको, लिख रहा है ना, सो दिस इज हाउ, कोई दिक्कत, आप किसी पे भी ये चीज सप्लाई कर सकते हो। नाउ कम टू द पॉइंट, हम बात करते हैं लिंक के बारे में, लिंक बनाने वाले हैं, ठीक है, ये बनाया हमने, अभी देखो क्या ये हाइपर लिंक बना है क्या, नहीं कुछ भी नहीं बना है, क्योंकि हमने लिंक दिया ही नहीं, अभी नॉर्मल लिंक की तरह, उसके लिए क्या करना होगा हमें बताओ, एचटीएमएल लिंक ऐड करेंगे इसमें हम। अभी हम देखो हैश लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हाइपरलिंक बना ना, बाय डिफॉल्ट ब्लू यही कलर होता है हाइपरलिंक का, यस नो, क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखो क्या हो गया, ऐसा नॉर्मली ये होता है, हमने कुछ किया अभी इसमें कुछ भी नहीं किया है। चलो तो अब हम इसको वापस रिफ्रेश करते हैं, देखो डिजिटल लिंक हो गया, नहीं लिंक क्या है, ये लिंक जो है विजिटेड हो गया, इसलिए क्या है यानी हैश, देखो लिंक का मैंने क्या दिया था आपको, हैश दिया था ना, तो हमें इसके कलर को पहले इसको प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं, तो हम एक लिंक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं लिंक प्रॉपर्टी, इस पे अप्लाई करना है हमें ए पे ना,
ए कॉलन, और क्या यूज करेंगे हम लोग, जनरली जो नॉर्मली हम लिंक यूज करते हैं वो किस कलर का होता है बताओ, ठीक है। मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा यहाँ पे कलर, कलर क्या यूज करेंगे हम लोग, इसे मान लो हमें यूज करना है ग्रीन, यूज कर देते हैं, क्या यूज करते हैं, कोई दिक्कत, सेव करते हैं इसको, देखो क्या होना चाहिए, जो लिंक है वो क्या होना चाहिए, अप्लाई हुआ क्या, आई थिंक एच टू ए लिंक कलर ग्रीन हो चुका है, इसको इग्नोर करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ www.https://, और क्या लिखें www.google, दिक्कत, सेव करते हैं, सेव किया, एक नया लिख लेते हैं, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है, क्लिक कर चुके हैं ना उस पे, कुछ चीजें यहाँ पर है रिस्ट्रिक्शन है कि इसके बाद इसको यूज नहीं कर सकते, इसके बाद इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम एक और लिंक लेते हैं, बनाते हैं यहाँ पे, जैसे ए है ना, बताता हूँ मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको, ए एच रेफ है ना, और क्या होगा बताओ, यहाँ पे मैं देता हूँ हैश दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया मैंने, डबल हैश दे दिया, अभी देखो, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेसबुक, क्या लिखता हूँ फेसबुक, ठीक है बच्चों, सेव करते हैं, देखो इस पे अप्लाई हुआ है ना, इस पे अप्लाई हुआ है भी, यानी बेसिकली जितने भी आप विजिट करने से पहले की बात मैं कर रहा हूँ कि आपको कोई अप्लाई करना है तो वो आप इस पे भी क्लिक किया क्या हमने, नहीं किया, ये आपका क्या हो गया, ग्रीन हो गया ना, आप चाहते इसमें बैकग्राउंड सेट करना चाहते हो, बैकग्राउंड कलर मान लो, तो हम क्या करेंगे इस पे, जाएंगे और क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर, आप बॉर्डर भी सेट कर सकते हो चाहो, तो मैं बैकग्राउंड कलर ये देता हूँ येलो, क्या देता हूँ, यस प्लीज, गूगल को हम क्लिक कर चुके थे, गूगल को हम लोग क्लिक कर चुके थे पहले से, ठीक है, और जब क्लिक कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, विजिटेड हो जाता है, तो बेसिकली हम विजिटेड कर चुके हैं, देन उस पर लिंक अप्लाई करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, लिंक मतलब क्या, जब हम क्रिएट करते हैं तो कैसा दिखना चाहिए, वही होना चाहिए लिंक का मतलब, जब हम क्रिएट करते हैं तो ऐसा होना चाहिए, तो अभी हमने क्रिएट किया था, हमने क्लिक भी कर दिया था उस पर, समझ रहे हो बात को, इसीलिए ऐसा दिखा, अभी देखो फेसबुक पे हमने किया है ना, क्लिक किया क्या इस पे भी, इस पे काम कर रहा है ना प्रॉपर्टीज, इस पे भी काम कर, लेकिन वो जो कलर है, जो कौन सा कलर उसको कहते हैं, ये क्योंकि विजिट लिंक में आप जानते हो विजिट करने के बाद ब्लू से क्या हो जाता है, पर्पल हो जाता है, ये आप जानते हो ऑलरेडी, अब देखो यार एक नया लिंक लेता हूं, इसको मैं हटा दूं, इसको हटा देता हूं मैं, एक नया लिंक लेता हूं, ठीक है, जैसे मैं लेता हूं यहां पे ए एच रेफ प्लस टू, मैं यहाँ पे क्या दे दू बताओ, जैसे मैं याहू दे देता हूँ, क्या देता हूँ, ठीक है याहू दे दिया, सॉरी यहाँ पे याहू नहीं देना, यहाँ पे मैं हैश दे देता हूँ, क्या देता हूँ, ठीक है, और देखो इसको बंद करेंगे, यहाँ पे दे देंगे याहू, बहुत देखो माइनर डिफरेंस है लेकिन अक्सर कंफ्यूज करते हैं बच्चे, ठीक है, इसीलिए मैं सोचा बता देता हूँ, देखो सेव किया, अभी देखो और एक चीज में देखो, मैं जो ये जो लिया था इसको भी हटा देता हूँ, ठीक दिख नहीं रहा है ना, कर देते हैं बेसिकली, देखो क्या होता है ना एक्चुअली, इसको पे क्लिक करें, पहले हैश दिया है ना, इसको हमें चेंज करने दो, जैसे
या यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कितना है, एक दो तीन है इसके, एक बता रहा हूँ मैं बस लिंक के लिए। हम चाहते हैं क्या, देखो ठीक है, हमने पहले हैश दिया था ना, और सा देखो हैश दिया था, तो हैश जो हमने सिंगल दिया था तो क्लिक कर दिया था हमने शुरू में ही, तो वो क्या विजिटेड हो गया था। अब सेम लिंक हम बार हैश यहाँ भी देंगे तो वो लिंक क्या समझेगा कि हम विजिट कर चुके हैं, समझ रहे उसको। तो इसलिए हमने तीन हैश दिया, दो भी हैश हमने यूज किया है, देखो दो और तीन बार क्लिक किया है हमने, नहीं दिया है। तो सेम लिंक उसके अंदर जो है, जैसे सेम लिंक होगा उसमें किसी पे भी एक क्लिक कर चुके हैं तो वो सारा क्या होगा आपका विजिट में होगा। हैश का मतलब देखो, यदि हमें कोई लिंक नहीं देना है, ठीक है, हमें कोई लिंक नहीं देना, हमें सिंपल एक प्रिनोटेशन के लिए देना कि लिंक हमने दिया तो हैश यूज करते हैं, बेसिकली हैश करोगे तो सेम पेज पे आपका आ जाएगा। हाँ बताइए, आप यूज करके देखो, ये हो कभी यूज, क्या यूज करना है बताओ। हाँ एक पेज, पहली बात ये, पहले लिंक को समझो, हम जो अभी आपने पूछा ना क्लिक करने पे होगा सारा होगा। अभी देखो क्या है, ये सारे हमने अभी लिंक बनाए हैं ना, हमने क्या यूज किए थे बताओ, ग्रीन यूज किए थे, मैं उसे ग्रीन नहीं, मैं चाहता हूँ इसको रेड कर दूं, क्या क्या कर दूं मैं इसको, सेव करता हूँ और देखो रेड हो गया। मतलब ये चीजें जो लिंक वाला चीज है ना, जब हम कोई लिंक क्रिएट करते हैं उस समय कैसा होना चाहिए उसके लिए हम यूज करते हैं, कोई दिक्कत। हमें मान लो इस पे बैकग्राउंड पिक्चर से बैकग्राउंड करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे अभी यूज किया था ना हमने, क्या यूज किया था, येलो नहीं देके हम कोई और कलर देते हैं, क्या देते हैं हल्का कलर, जैसे यहाँ से हम कलर ले लेते हैं बच्चों, हमारे पास ऑप्शन है ना बहुत सारे कलर के, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे HTML कलर से कुछ ऑप्शन है हमारे पास यूज करना चाहिए, मैं चाहता हूँ ये कलर, ये दिख रहा है आपको, ये कलर मैं चाहता हूँ, इस कलर का बैकग्राउंड है, कॉपी कर लेते हैं इसको, सेव करते हैं इसको। ठीक है, ये चीजें हुई जब हम क्रिएट करते हैं। अब देखो दो चीजें, अभी हम इस पे ले जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है क्या, क्योंकि मैंने इस एंकर वाले पे हॉवर यूज नहीं किया, बट हमें यूज करना है। तो देखो हम हॉवर यूज करें किस पे, वो जो हमने सेट किया था H1 H2 के लिए यूज किया था ना, अभी देखो मैं इससे पहले यूज करता हूँ क्या, इसके बाद हॉवर, क्या करना है बताओ, हॉवर करने के क्या चाहते हो आप, जब हॉवर करे तो क्या हो जाए, हॉवर करे तो उसका हम चाहते हैं हॉवर हो तो एक्चुअली में वो जो लिंक हो वो ब्लैक हो जाए, सपोज ऐसा हम चाहते हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कलर कलर और क्या हो ब्लैक, ठीक है, सेव करते हैं, ठीक है, हो रहा है ब्लैक या नहीं हो रहा, ये सर हो रहा है, कोई दिक्कत। तो दो चीज आपने देखा, पहला तो लीक देखा प्रॉपर्टी आपने, दूसरा आपने क्या देखा, हॉवर भी देखा, तीसरा क्या था, एक्टिव था और एक था स्टेट, तो हम अभी बात करते सबका स्टेप बाय स्टेप होता है। अब एक चीज और देखो, मैं अभी डिजिटेट भी बताऊंगा आपको, बहुत सारा कंफ्यूजन होगा आप लोग से, ये काम नहीं करेगा सबका रीजन, अभी मैं बात कर रहा हूँ एक्टिव का, कि मैं उसमें क्लिक करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं बच्चों, क्लिक करने वाले हैं। अब देखो एक्टिव करेंगे और हॉवर भी होगा, ध्यान से देखो, एक्टिव भी करेंगे हॉवर भी होगा, हमने हॉवर चेक कर रखा है, अब एक्टिव वाला हम काम करते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे हम उसको क्लिक करेंगे क्या होना चाहिए, कि कोई कलर चेंज हो जाए उसका, जब वो क्लिक कर रहे हो, जब वो क्लिक करेंगे उस पर एक्टिव होगा, और एक्टिव हो तो कुछ और देखना चाहिए उसका कलर, उस लिंक का कलर, ठीक है। तो देखिए हम एक डिफाइन करेंगे क्लास, क्या चीज बताइए, ए एक्टिव यूज करेंगे, क्या करेंगे एक्टिव, ठीक है, और इस पे कौन सा कलर चाहिए बताओ एक्टिव करने के, हम चाहते हो लिंक जब एक्टिव हो तो कौन सा कलर हो,
मैं इससे कलर चूज कर लेता हूँ, ऑप्शन है ना हमारे पास, बताओ कौन सा कलर होना चाहिए, ये होना चाहिए या ये होना चाहिए सपोज, ये ठीक है लेकिन ये दिखेगा नहीं ना फिर, अच्छा कलर सपोज इफ यू वांट दिस कलर, ठीक है कोई दिक्कत, कॉपी करते हैं और कहाँ रखेंगे उसको, कलर और उसको पेस्ट करेंगे ये। अब देखो बॉस, अभी देखो कंफ्यूजन बहुत सारा होने वाला है आपको, जैसे इस पे हम सेव करते हैं, ठीक है सेव करते हैं, अभी इस पे हम देखो जा रहे हैं तो अभी हॉवर हो रहा है, अब हम क्लिक करेंगे देखो क्या हो गया, जब क्लिक किया हमने क्लिक करके हमने रखा है, एक्टिव हुआ या नहीं हुआ, क्या हो गया, क्लीन हो गया। जैसे अब क्लिक करेंगे तो एक्चुअली हमने कुछ लिख दिया नहीं है वहां पे, उसी पे ओपन हो रहा है एक्चुअली में। देखो ये क्या है, देखो जब भी हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्टिव होता है, जैसे हम क्लिक करते हैं एक्टिव हो जाता है, सो दिस इज कॉल्ड एक्टिव प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत, हम चाहते हैं कि क्लिक करें तो ग्रीन होने के साथ साथ उसका जो है बैकग्राउंड भी चेंज हो जाए, ऐसा हम चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसको बैकग्राउंड येलो कर देते हैं, कोई दिक्कत, बैकग्राउंड को क्या कर देंगे बच्चों, येलो कर देंगे, है ना, सेव करते हैं इसको, सेव किया और ठीक है काम कर रहा है ना। अब जो यूज करने वाले हैं उसको यूज करेंगे तो बहुत कुछ आपको अपने विजिबल नहीं होगा, जैसे हॉवर कभी कभी काम नहीं करेगा, आप देखो कभी कभी आपका एक्टिव वाला काम नहीं करेगा जब हम विजिटेड वाला प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। अब विजिट का मतलब क्या हुआ कि जब विजिटेड होगा तो ये प्रॉपर्टी होना चाहिए, यानी जब किसी लिंक को हम विजिट कर चुके हैं, ध्यान सुनो, जब किसी लिंक को हम विजिट कर चुके हैं तो उसका ये प्रॉपर्टी होना चाहिए, हम सेट करना चाहते हैं एक्चुअली वो विजिट, अभी ये क्लाइंट विजिट है लेकिन हम चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक हो जाए, क्या हो जाए, कुछ स्पेसिफिक हो जाए। अच्छा इसका कलर कौन सा है बताओ, कि विजिट हो गया पर्पल है, हमने क्या सेट किया, पर्पल ही है ना, देखो देखो हॉवर करने पे क्या हो जाता है, देखो स्टार्टिंग में हमने रेड किया था, गॉड्स तुम लोग कंफ्यूज हो गए, हमने स्टार्टिंग में लिंक किया था कि जो लिंक बने तो रेड हो जाए, रेड था जब हमने उस हॉवर किया तो ब्लैक हो रहा था, अभी ब्लैक हो रहा है, देखो जब हमने क्लिक किया एक्टिव किया वो क्या हो गया था, ग्रीन हो गया था, अब देखो जब विजिटेड हो गया तो अब क्या है, वो पता है एक्चुअली में कौन सा कलर, पर्पल कलर है, कौन सा कलर देख रहे हो, कोई भी विजिटेड लिंक जो बाय डिफॉल्ट पर्पल कलर का होता है, समझ में आया। अब हम चाहते हैं जब कोई लिंक विजिटेड हो जाए तो उसका ब्लू कलर क्या हो, एक्चुअली बाय डिफॉल्ट ब्लू होता है, लेकिन हम अभी क्या बोल रहे हैं कि विजिटेड होने के बाद उसका कलर ब्लू हो जाए और बैकग्राउंड कुछ और हो जाए, ऐसा विजिटेड पर सेट करेंगे ना उसके लिए। तो अब हम विजिटेड यूज करेंगे, क्या है ए, क्या होगा विजिटेड हम क्या करते हैं, विजिट करते हैं, तो क्या करना है, हम रखते हैं कलर, क्या रखते हैं, ब्लू रखते हैं और बैकग्राउंड क्या रखे बताओ, बैकग्राउंड कलर क्या रखे, इसको ऑरेंज रखे बताओ क्या रखे, ग्रीन कर देते हैं रहेगा चलेगा, या सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑप्शन भी हमारे पास है, ऑप्शन है तो हम देखते हैं कुछ इस तरह का कलर देखते हैं, कौन सा कलर देखिए बताओ, तो कौन सा कलर चाहिए, यही कलर रखते हैं, ठीक है कोई दिक्कत, यही कलर रखते हैं, ठीक करते हैं और क्या करेंगे बच्चों उसको, ठीक है सेव कर दिया, और अभी कुछ है क्या, तो एक हमने सेव करके रखा है, देखो अब फेसबुक हमने विजिट नहीं किया इसीलिए वो रेड है, उसका बैकग्राउंड जो सेट किया था वो है, उस पर जब हम हॉवर करते हैं तो ब्लैक हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने उस पर क्लिक नहीं करना है, हमें उस पर क्लिक नहीं करना,
एक्टिव हमने किया है क्या उसको, ये विजिटेड हो चुका है, अब रिलोड करें इसको, इस पे हुआ क्या, फेसबुक पे हुआ क्या, इस पे क्यों हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है, क्या हो चुका है, विजिटेड हो चुका है, तो देखने के लिए बार बार लिंक को चेंज करना पड़ा है, अभी देखो विजिटेड हो चुका है, अभी देखो इस पे हम कुछ और काम कर रहा है, बताओ होवर काम कर रहा है क्या, इस पे क्या, इस पे बताओ ये एक्टिव वाला पोर्शन काम कर रहा है क्या, क्लिक करके रखे हम छोड़ा है क्या, यानी जब हम विजिटेड यूज कर लेंगे, हमने अभी विजिटेड यूज नहीं किया था, हमने अंदर से कुछ भी नहीं किया था, बाय डिफॉल्ट वाला विजिटेड था तो काम कर रहा था, लेकिन जैसे हमने विजिटेड कर दिया, हमने अपना प्रॉपर्टी सेट कर दिया अलग से कि ऐसा ही हो, तो हमारा काम, हमारा प्रायोरिटी होगा, तो इसीलिए देखो कोई काम कर रहा है क्या उस पर, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि यदि हम उस पर क्लिक करते, देखो क्लिक कर रहे हैं अभी तो वही पेज खुलेगा ना, ऑब्वियसली चलो मैं रीलोड करता हूँ फिर से, आपको लग रहा होगा मैं फिर से क्लिक करूँ, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, क्लिक हो रहा है, क्लिक हो रहा है, देखो मैं इस पर लिंक सेट कर देता हूँ, ठीक है, कौन सा था, ये था ना फेसबुक था, सॉरी इस पे ना एक और है, अब ये क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा बताओ, अनविजिटेड हो गया क्योंकि डबल इतना वाला था नहीं, कोई क्लिक किया था उस पे क्या, मतलब ये पता है कैसे चेक करता है, वो जो हमने एचडीएफ के अंदर जो दिया है ना उसमें क्या दिया है वो सेम है क्या जिसमें क्लिक किया वो है या उससे अलग है, यदि वो उससे अलग है तो एक्टिव लिंक मतलब नया लिंक बन कहलाएगा वो, यदि वो सेम है, अब हम कुछ भी लिखे उस पर मतलब नहीं, हमने यहाँ फेसबुक या कुछ भी लिखा उससे मतलब नहीं, हमने एचडीएफ के अंदर जो दिया है वो सेम है यानी उस पर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत, तो बेसिकली देखो अभी हम इस पे क्लिक करते हैं, देखो इस पे होवर काम कर रहा है ना, क्योंकि अब नया लिंक बन गया ना, वो होवर भी काम कर रहा है, देखो और जब क्लिक करेंगे तो देखो काम कर कलर करने पे, क्लिक करने पे भी एक्टिव हुआ, अब ये छोड़ दिए विजिटेड हो गए, समझ में आया कुछ, अभी होवर काम करेगा, इस पे होवर अब कहाँ काम कर रहा है, इस पे काम कर रहा है क्योंकि विजिट हो गया तो कुछ भी काम नहीं करेगा, लेकिन इस पे देखो, इस पे देखो इस पे काम कर रहा है तो कुछ गड़बड़ है, देखो उसको ठीक रियलिटी में यही है, बता देता हूँ ऐसे सुन, यदि विजिटेड हो चुका है और हमने तुमने विजिटेड अलग से प्रॉपर्टी सेट किया है क्या, विजिटेड काम कर रहा है आपका, लेकिन यहाँ पे काम कर रहा है बताओ सर, कलर के कारण बैकग्राउंड कलर का भी है कलर के कारण चलो चलो मैं क्या कर दूं बताओ, याहू में होवर का कलर से बैकग्राउंड कलर मुझे दिया भी हो, सुनो मैंने बैकग्राउंड कलर भी दिया भी है, समझ में आया, सुनो यदि मैंने दिया भी है तो दोनों अलग है ना, उसका तो आना चाहिए ना, जब काम करना चाहिए तो आ रहा है क्या, लेकिन जनरली जान लो कि जब हम यूज करते हैं तो यदि विजिटेड कर चुके हैं बाकी प्रॉपर्टी काम नहीं करता है, ठीक है, रीजन है रियल है, ठीक है, उससे पहले है ना, अब देखो इस पे होवर काम करेगा, इस पे काम करेगा जब करेंगे, ठीक है, इसमें नहीं भी ज्यादा फिर भी होवर काम करता है, इसको ये तो लीक नहीं है, ये तो मैं एच1 टैग है ना, इस पे कर्सर को इधर ले जाइए ऊपर ऊपर उस पे, इस पे हां फिर भी काम कर रहे थे, अरे तो इसका मैंने ये देखो ये क्या है, ये क्या पता है H1 टैग, ये पूरा का पूरा H1 है ना, यहाँ से यहाँ तक लाइन है, समझ रहे हो, ये पूरा का पूरा यहाँ तक दिखा है, H1 टैग हमने लिया, ये पूरा का पूरा लाइन होता है ना, H1 टैग का पूरी पूरी लाइन को करता है, हम जब डिवीजन के अंदर बांध देंगे ना और डिवीजन का साइज फिक्स कर देंगे तो लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है, या हाइट भी प्रॉपर्टी है वो सेट कर देंगे तो, बेसिकली ये समझ में आया आपको कितना डिफरेंस, अब एक आती है दैट इज कॉल्ड चाइल्ड फर्स्ट या फर्स्ट चाइल्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट चाइल्ड, तो फर्स्ट चाइल्ड हम सेट बनाएंगे, देखिए इसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, जैसे एक डीबी लेते हैं, क्या लेते हैं, कोई दिक्कत, डीबी इज सिमिलर टू टेबल बट हम टेबल यूज नहीं करते हैं, क्योंकि टिप टेबल तभी एक्टिव होता है जब उसके हम सेल्स को क्रिएट करेंगे, रॉ कलम यूज करेंगे तभी टेबल एक्चुअली यूज में आता है, लेकिन डिप में ऐसा नहीं है, हम डिप डिफाइन कर दिए तो
तो वो आपका काम करेगा। डिवीजन मतलब पार्टीशन, सेक्शन डिवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं। अब देखो डिव हमने यूज किया, इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं बताओ? हम यूएल टैग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों? यूएल टैग, यूएल जानते हो? ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट हम जो लिखते हैं यूएल, या हम ऐसा लिखते हैं एलआई, क्या लेते हैं एलआई, एक मिनट कोई दिक्कत। इसमें हम लिखते हैं मान लो होम, सपोज हमने लिखा होम, बंद करेंगे इसको, बताइए इसको क्या लिखते हैं हम, अबाउट, ठीक है कोई दिक्कत। और एक हम यूज करते हैं इसके अंदर, बताइए कॉन्टैक्ट यूज करते हैं सिंपल, और ये ऐसे हम दे दिए कोई दिक्कत। सेव करते हैं, कुछ दिखा आपको? अब ये जो हमने यूज किया देखो ध्यान से, क्या है डिवीजन के अंदर ये तीन, हमें क्या करना है इस पार्टिकुलर, फर्स्ट चाइल्ड कौन है इसका बताओ? इसके अंदर फर्स्ट चाइल्ड के होम है, तो देखो हम डिफाइन करते हैं हम कौन सा किसका डिवीजन का है ना, तो डिव क्या है, डिवन कॉल हम क्या लेते हैं डिव कॉलन, अभी देखो हम डिव कॉलन लिखते हैं और हम देंगे यहाँ पे सिंपल फर्स्ट चाइल्ड, क्या देंगे फर्स्ट चाइल्ड, क्या होगा फर्स्ट चाइल्ड क्या होगा बताओ, क्या देंगे इसके अंदर हम, क्या चाहते हैं सब कलर चेंज करते हैं, क्या कलर चेंज करेंगे चलो एक काम कर, नहीं इसने सही बोला, हम बैकग्राउंड को ब्लैक करके व्हाइट कर, ठीक है ये जो है हम क्या करते हैं इसको बताओ, ठीक है और सॉरी यहाँ पे हाँ ठीक है, चलो इसका बात मान लेते मान लो, ठीक है सेव करते हैं, बताइए क्या होना चाहिए, क्या हुआ आपका काम करे इसका, मतलब कहीं गड़बड़ है देखिए, मेरा काम कर रहा है किसमें, कोई किसमें, इसी में नोटपैड में कर रहे हो? यस सर, मतलब तो विजिट कर दूंगा फिर भी हॉवर काम कर रहा है, गॉड करना है, यस कोड में यूज कर रहे हो नहीं तो, लेकिन गड़बड़ है उसको एक्चुअली में, जो डिफाइन है इसका ये जो हम बता रहे हैं आपको ये डिफाइन, क्योंकि जब विजिटेड हो गया है तो उसपे ना तो हॉवर काम करेगा, और देखो यदि हम सेट नहीं करते ना गॉड से, यदि हम सेट नहीं करते अपने हिसाब से तो वो काम करता सारा काम करता, लेकिन हमने सेट क्या कर दिया है, अपना प्रॉपर्टी सेट कर दिया है तो इसलिए वो काम नहीं करता, ठीक है चलिए अब देखो चेक कर लेते हैं इसको, देखते हैं ये क्या देखा था हमने कलर, चलिए फर्स्ट चाइल्ड करना था ना हमें, तो फर्स्ट चाइल्ड किसका करना है, यहाँ लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हमें लिखना होगा क्लास का, बना देते क्लास बना देंगे तो हो जाएगा, या फिर ऐसे ही ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, फर्स्ट चाइल्ड से काफी होगा, एक्चुअली हम डिवीजन के लिए यूज किए हैं, फर्स्ट चाइल्ड जो है हमारा काम नहीं कर रहा है क्या, अच्छा अच्छा ये हमने लिस्ट ले लिया है ना, लिस्ट ले लिया, हमें एच1 लेना चाहिए था,
लिस्ट तो सब कॉमन है ना, सेम है, हमें लिस्ट ये लेना चाहिए, H1 चाहिए। इसको क्या कर देते हैं, H1 और इसको करना चाहिए था हमें H1 या H2 कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत, H2 और H2 क्योंकि सब सिमिलर था ना उस समय, सिमिलर था तो जितने भी अलाई थे सब पे अप्लाई हो जा रहा है, ठीक है, तो वो डिसिमिलर करना होगा, इसको हम क्या करते हैं, या इसको H2 रखते हैं मान लो, इसको लिस्ट वाला क्या होता है, लिस्ट में जो भी आप सेव करोगे वो सारे लिस्ट पे अप्लाई हो जाते हैं, है ना, देखिए ये H2 और ये H2 है ना, और ये क्या है आपका, सेव कर दिया था, इस पे भी है, इसका मतलब हमने अलग अलग H2 करके हमें किस पे करना चाहिए था, फर्स्ट पे, तो देखिए तो कहा गया ये हमारा यहाँ पे डिविजन दिया है ना, हमें फर्स्ट चाइल्ड करना है किस पे, H1 करना है हमें, H1 H2 है, करेंगे सेव, क्या होगा हमारा, ठीक है, तो जनरली फर्स्ट चाइल्ड इस तरह से अप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत है, अब देखो एक चीज और आपको ये भी क्लासिफाई करना है, आपको स्पेसिफाई ऐसा करना है कि हमें डिवीजन का चाहिए, तो डिवीजन का क्लास बना दो, ध्यान सुनो पहले, डिवीजन का क्लास बना दो, आपको चाहिए कि डिवीजन पे ही ध्यान से दिखे, तो डिवीजन का क्लास डिफाइन कर दो, वो क्लास डिफाइन करोगे उतना क्लास डॉट H1 और फिर उससे फर्स्ट क्लास लगा दो तो आपका काम करेगा, ठीक है, देखिए अब देखो ये तो अलग बात हो गया, मैंने क्या बोला आपको, फर्स्ट चाइल्ड मतलब फर्स्ट चाइल्ड पे ही होगा, लेकिन आपको थर्ड पे करना है तो बहुत सारा ऑप्शन आपके पास है, सेलेक्टर्स बहुत सारे हैं, आप ये फर्स्ट चाइल्ड पर है कहीं पकड़ती है, मतलब आप सब पे जनरली होता क्या, देखो होता क्या है, जब हम डिविजन या कुछ टेबल बनाते हैं, समझो यहाँ जब कुछ टेबल या कुछ हम बनाते हैं लिस्ट देते हैं, तो मान लो जो जनरली फर्स्ट क्या होता है, हेडिंग होता है आपका, जब भी हम कुछ फर्स्ट हेडिंग होता है नॉर्मली, तो उस केस में जब हेडिंग कुछ अलग दिखाना है आपको, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अब थर्ड पे करना है आप स्पेसिफिक, फिर तो आपको पता है थर्ड पे करना है, तो आप सेलेक्टर्स यूज कर लो, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपको, है कि नहीं, तो वो चीजें आप स्पेसिफिक कर सकते हो, तो हम क्लास यूज करते हैं, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मान लो क्या यूज करते हैं, डिव है ना, डिव, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिव डॉट H2 कर देते हैं, उसके क्लास होना चाहिए, अप्लाई नहीं हुआ, इसका भी क्लास को डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके वो क्लास डॉट डिव डॉट जब हम ये स्पेस वाला काम क्या बोलते हम यहाँ पे दे दे H2 दे दे, हाँ तो उससे क्या होगा, तो ये ऐसे भी काम कर रहा था, इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, डॉट लगता है आगे क्लास, देख एक्चुअली यही क्लास है ना आपका, क्लास है डॉट ये, लेकिन ये ऐसे भी काम, जैसे हम बताए थे ना आपको इस पे काम नहीं कर रहा फर्स्ट चाइल्ड, लेकिन यदि आपको किसी क्लास के पार्टिकुलर, जैसे हम क्लास डिफाइन क्या करते हैं बताओ, हम क्लास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को डिफाइन करते हैं, तो हम चाहते हैं क्या कि जैसे हमने क्लास बनाया, कुछ H1 टैग लिया है, हमने कुछ H2 टैग लिया है, हमने कुछ P भी लिया है सपोज, और हम चाहते हैं क्या जो क्लास प्रॉपर्टी हो एक साथ अप्लाई करें, सब पे अप्लाई होगा जिसपे हमने क्लास डिफाइन किया, हम चाहते हैं
कि नहीं क्लास जो प्रॉपर्टी जो डिफाइन हो केवल उसी क्लास पे हो जो कि पी टाइप का है, उसके इसमें पी डॉट क्लास यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? पी डॉट क्लास। तो वो क्या होगा आपका, जो क्लास हमने यूज किया है सारे पे तो केवल पी वाले पे अप्लाई होगा, है ना। तो वो भी करते हैं इसीलिए, लेकिन वो चीज यहाँ पे काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो बेसिकली हम यदि एच टू ऐसे काम है, इसको इसका कोई जरूरत भी नहीं हुआ ना, फिर आपको जरूरत हुआ क्या इसमें? तो ऐसे ही काम कर रहा है हमारा, है कि नहीं? तो ऐसे हम कर देंगे उसको, कोई दिक्कत। तो बेसिकली इस तरह से यूज कर सकते। तो आपको इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कुछ प्रॉपर्टीज है। हाँ, अब ये चीजें देखो ध्यान से, ये जो है भी स्टेट वाला जो प्रॉपर्टी है या एक्टिव प्रॉपर्टी है, ये हम किसी एलिमेंट पे भी कर सकते हैं, जो नहीं कि हमें लिंक पे। ये जो केवल लिंक वाला पार्ट है ना, वो केवल लिंक पे काम करे, बाकी सारा आप किसी दूसरे पे भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? जैसे ये जो हमने यूज किया है हॉवर, एक्टिव, विजिटेड, है ना, ये सारा ठीक है, किसी और पे भी काम कर सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं लिंक की बात करते हैं, तो लिंक ऐसा है जो केवल हाइपरलिंक के लिए होगा। समझ में आ गया? तो एक्टिव आप किसी और पे भी अप्लाई कर सकते हो, विजिटेड भी कर सकते हो, ऐसा कुछ, ठीक है, कोई दिक्कत। ट्राई करना और देखना है इसको। तो बेसिकली ये हमारा टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास में जितना मैंने बताया है, ठीक है, उसका आपको लैब करना हो जाएगा। हाँ बताइए। सर थोड़ा स्क्रॉल करिएगा ऊपर। एसएस लिखो। हाँ, यस प्लीज, थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा। नेविगेशन बार बोल रहे हो ना? नहीं सर, नेविगेशन क्या चीज में होता है? हाँ बताइए। ये चीज है, ये आपका आपने ये पढ़ा है क्या? चलो अभी इसने कुछ पूछा है, एक्चुअली एक नया प्रॉपर्टी है ना। जनरली नेगेशन जो हम यूज करते हैं या जो सी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, यहाँ पे भी नहीं बात करो, सी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, वहां पे नेगेशन का मतलब होता है, जैसे आप फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालते हो ना, तो उसको नेगेशन या उसको टिल्ड साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टिल्ड साइन बोलते हैं, ठीक है। पर जनरली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जो जैसे देखिए सी में भी बहुत सारे वर्जन है, ये सब नए वाले में फीचर्स में काम करते हैं, नए कंपाइलर में काम करेंगे आप, ठीक है। तो नेगेशन होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन जो आप बोल रहे हो। जनरली ये जो प्रॉपर्टी है इसी प्रोग्रामिंग का है, सी प्लस प्लस का है, इसका है। ये आपने पढ़ा होगा वहां पे बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ा होगा, पढ़ा है। तो बिट वाइज ऑपरेटर जो है मैं ये सारा कुछ यूज करता है ना। और यहाँ पे जो है ये जो टिल्ड साइन यूज किया है, इसके बारे में मैंने यूज कभी नहीं किया है, इसको नया प्रॉपर्टी होगा, इसको देख के होगा तो बताएंगे आपको। कोई दिक्कत? फोटो खींचना है, टॉप करे। अच्छा, हो गया। तो हम लोग अटेंडेंस वाला देख लेते हैं क्वेश्चन। एक मिनट देखो, एक चीज और मैं बता देता हूँ सर। पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। पीडीएफ? यस सर। पीडीएफ सेंड करते रहते हैं सर, वीकली हम या दो वीक पे सेंड करते रहते हैं, इसको भी सेंड कर देंगे। आना कर दीजिए सर, नोट बनाने में आप लोग आपका जो वीडियो अपलोड होता मिलता नहीं, एक मिनट आप लोग। हाँ बताइए सर, प्लेलिस्ट जो है वो भी दे दीजिए, उसका भी लिंक दे दीजिएगा ना। यस सर, भेज दीजिएगा प्लेलिस्ट।
क्या दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत है? अटेंडेंस लेते फिर आपका दिक्कत सॉल्व करते हैं। यस, रोल नंबर वन, रोल नंबर वन, टू, रोल नंबर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, यस सर, सेवन, यस सर, एट, नाइन, टेन, ओके, इलेवन, नाइन, इलेवन टू ट्वेंटी, ट्वेल्व हो गया, नाइनटीन सर, 12, 13 किसका था? 13? 13 नहीं, चलो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, 11, 12, 9, 12, 13, 14, yes, sir. 15, yes, sir. 17, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लो, बन गया, म्यूट कीजिए पहले अपने, बन गया आपका नाइन, म्यूट कर लीजिए। रोशन म्यूट कर लीजिए आप, चलिए उसके बाद क्या है 17, हो सकता है वो कुछ उनका टच हो रहा होगा, बार बार इस तरह का टच होता होगा, 17 हो गया, 18, यस सर, 19, 20, यस सर, कितना है, 19 सर, 20, ओके ठीक है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 सर, 26, प्रेजेंट सर, 26, 27, प्रेजेंट सर, 26 सर, ओके, 27, प्रेजेंट सर, 28, हेलो सर, 25, क्या नाम है आपका? शुभम कुमार। तो कितनी बार बताओगे? क्या सर? बन एक बार बोले तो बन गया, दस बार बोलने से क्या होगा आपका, ये बताओ। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। समझते नहीं हो तुम लोग, कहाँ रहते हो? 27, 28, 29, 30, 31, 32, present sir, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 38, 39, सर स्क्रीन शेयर नहीं आपका, कितना रोल नंबर है आपका ये बताइए, 32 सर, आप क्या बोलना चाहते हो बताओ, स्क्रीन शेयर में अभी पढ़ा रहा हूँ क्या, एक मिनट, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51, 52, 54, म्यूट कर लीजिए, किसी का माइक ऑन है, 54, 53, 53, बन गया आपका, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, तो बड़ा नहीं बनाएंगे, 68, 69,
70 71. Yes sir, 71. 70 71 sir. Okay, 72 73. Yes sir, 73. 74. म्यूट कर लीजिए, इसका माइक ऑन है. 74 75 76. यस सर, 76. 77 78 79. यस सर, 79 सर. 80 81 82 83 84. 82 सर. 83 84 84 सर. 85 86 87 86 सर. 87 88 89 90 91 91 सर. म्यूट कर लीजिए. 92 93 94 94 सर. 95 96 97 98. यस सर, 98 सर. 99 100. Yes sir. 101 2. Yes sir. 3. Yes sir. 4. Yes sir. 5. Yes sir. 6. 7. 8. 9. Present sir. कितना है आपका roll number? 109 sir. Okay. 110 11 12 13 14. Yes sir. Yes. Yes sir. कितना है? Sir, one. 13 college. Yes sir, 13. Okay. 14. Yes sir. 15. 16. 17. 18. 19. Yes, 118 sir. कितना है आपका? 118 sir. 18. Okay. 19. 20. Yes sir, 19 sir. 21. 22. 23. 22 sir, 122. 23. 122 सर. बन गया भाई. ओके सर, थैंक यू सर. यहाँ नहीं है ऑनलाइन लेते हैं. यस सर. कितना वॉल्यूम है आपका? 34. ज्यादा 34 का कहानी. क्या नाम हुआ आपका? साकेत कुमार. जो भी अटेंडेंस ऑनलाइन रिप्लाई देता है. हाँ सर, याद आया. ठीक है, इसका मैं बना रहा हूँ. ये तुम सोचोगे कि हम थोड़ा ऐड हो गए और कुछ भी नहीं बोलेंगे, ऐसे बनेगा बताओ. समझ रहे हो? और जो भी बोले होगे तो बन ही गया होगा, नहीं बोलोगे तो नहीं बना. इवन ये भी होता है, हैंडेस भी कर दोगे, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो. क्या नाम हुआ? चेक कर. 36 कितना है? 34. हम चेक कर लेंगे. 34 है ना? बना हुआ. चलिए ओके. ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे. Yes, I love you.